वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो रीजनिंग के अंदर हमने प्रश्न क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आज से हम 66वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, आज से हमारी 6ठी क्लास है। और ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने आपको, ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ 66वें क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, करते हैं इसका सोल्यूशन। ध्यान से देखो, देखो एम कितने नंबर पर आता है, एम आता है 13 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और एन आता है 14 नंबर पर, ठीक है। के आता है 11 पर, सी 3 पर, एस 19 पर, और पी 16 पर। आई कितने पर, 9 पर, डी 4 पर, आर 18 पर, और ये आर भी कितने पर, 18 पर, ठीक है। ई कितने पर आता है, 5 पर, एफ कितने पर आता है, 6 पर, और पी आता है 16 पर, और बी आता है 22 नंबर पर। तो ध्यान से देखो, 13 में से 2 गए 11, है ना, और 11 में से 2 गए 9, 9 में से 2 गए कितने बचेंगे, 7 बचेंगे ना, कितने बचेंगे 7, ठीक है। इसके बाद क्या है, देखो 2 में एक जोड़ेंगे 3, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, तो 7 और ये आ जाएगा 5। फिर उसके बाद 20, 20 में एक कम करेंगे 19, 19 में एक कम करेंगे 18, 18 में कम करेंगे 17, ठीक है। 14, 14 में एक जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22। यानी सातवां अक्षर क्या होता है बताओ, जी होता है, पांचवा अक्षर ई होता है, 17वां अक्षर क्यू होता है, 20वां अक्षर टी होता है। जी ई क्यू टी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 66वें क्वेश्चन का, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चन की, 67वें क्वेश्चन की। 67वें क्वेश्चन में तो देखो क्या आना चाहिए, इन दोनों में अंतर देखो कितने का है, 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का। इन दोनों में देखो कितने का अंतर है, 6, और 6 में से एक है 5, और ये जाएगा 2, 256। आप दिमाग लगाओ इसके अंदर, यहां पर किसका अंतर है, 4 का, ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये किसका वर्ग है, 16 का वर्ग, ठीक है। तो आप ऐसी संख्या देखो कि इसके अंदर कितने का अंतर होना चाहिए, दोनों के अंदर बताओ। देखो ये कितने का है, 16 का वर्ग है, और 8 का वर्ग कितना, 64 करके देखो, ये ज्यादा गैप आ रहा है इसके अंदर, और ये कितना है, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। अगर हम इसमें जोड़ दें, 33 में जोड़ दें, तो कितना जाएगा, 33 और 16 कितने होते हैं, 49 रखेंगे। तो यदि मान लो 49 रखें, देखो इसमें कितने का अंतर हो गया, 16 का, यहाँ पर कितना अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 13 में से 9 गए 4, 10 में 4 गए 64 का अंतर। यानी कह सकते हैं कि 4 का वर्ग 16, 8 का वर्ग 64, 16 का वर्ग 256, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 49 इसका सटीक आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो डी कितना है, 4, जी कितना है, जे कितना है, 10, एम कितना है, तो 4 और 3 7, 3 ऐड हो रहा है ना, 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16, तो 16 ऑप्शन क्या होता है बताओ, पी होता है, ठीक है। ए में कितना ऐड हो रहा है, देखो ए में 4, ए का 1 और ई का कितना है 5, यानी कितना ऐड हो रहा है इसमें, 4 ऐड हो रहा है, 5 में ये कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, और 4 में कितना ऐड हो रहा है, 9 में 4 13, तो मतलब प्लस का 4 ऐड हो रहा है, 13 में अगर 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17, 17 और 17 क्या होता है, क्यों होता है। देखो जे क्या है 10, एल क्या है 12,
मतलब क्या है इसका? दो एड हो रहा है, और यहाँ पर भी दो एड हो रहा है, यहाँ पर भी और दो एड हो गया, तीन मिनट कितना हो जाएगा? अठारह। अठारह अक्षर क्या होता है? आर होता है, तो पी क्यू आर इसमें क्या जाएगा? ये आएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 69वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखो कैसे होगा। आर कितना है? 18, और डब्लू क्या है? 23। कितने का अंतर है? 5 का। और यहां पर कितने का अंतर है? डब्लू 23 है ना, और पी कितना है? 2। सबसे अंतर कितने का है? 5 का अंतर। ठीक है, बी के बाद क्या है? जी, तो भी 5 के अंदर है। अब 5 के अंदर क्या आएगा बताओ? 12। बताओ क्या आएगा? 12। 12 क्या होता है? एल होता है। ठीक है, क्योंकि 5 के अंदर आना चाहिए। आगे देखो एम 13 और जी कितना है? 7। अंदर कितना क्या है भाई? 13 में से अगर 6 घटाएं तो कितना बचेगा? जी बचेगा ना, जी 7, 7 से 6 घटाएं तो कितना बचेगा? 1। 1 में से अगर 6 घटाएं तो कितना बचेगा? माइनस का 1 बचेगा, कितना बचेगा भाई? 1 1 में से माइनस 6 घटाना है तो माइनस 5, तो 26 में से माइनस 5 अगर घटाएंगे 21 का अक्षर U। ठीक है, U 21, 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 15। तो 15 अक्षर क्या होता है? O होता है। ठीक है, आगे देखो इसमें देखो P कितना है? 20। 20 और A कितना है? 1। यानी कह सकते हैं कि ए के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर टी आ रहा है, या टी यू वी एक्स वाई जेड और ए। टी का 20 और ए का कितना है? यहाँ पर अंतर कितने का है? 7 एड हो रहा है। देखो और ए में अगर 7 एड करेंगे तो कितना जाएगा? 8। 8 में 7 एड करेंगे तो क्या जाएगा? 15 में 7 एड करेंगे तो 22। और 22 ऑप्शन क्या होता है? बी होता है। एस क्या है? 19 क्या है? कितना है? 11। यानी माइनस कितना होगा? 19 में से 8 के 11 बचेंगे, और 11 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, और 3 में से 8 गए तो कितने बचेंगे? माइनस 5। माइनस 5 का मतलब 26 में से 5 गए 21, मतलब माइनस 8, और यू मतलब 21, 21 में से 8 गए कितने बचेंगे? 13। और 13 का अक्षर क्या होता है? एम होता है, तो एल ओ वी एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। इन दोनों अंतर कितने का? 21 का। इन दोनों अंतर कितने का है? 22 का। 22 का। इन दोनों अंतर कितने का है? 23 का। इन दोनों अंतर कितने का है? 24 का। और इन दोनों अंतर कितने का है? 25 का। तो 5 और 6 में 11 114 का राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका। आगे बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की, इसका सॉल्यूशन बताओ क्या आना चाहिए। देखो एफ क्या है? 6, और एल कितना है? 12। कितना है? 12, यानी अंदर कितने का है? 6 का। ठीक है, यहां पर ये आई आएगा, ये आई है। ठीक है, तो अभी इस कितने का डिफरेंस में? 3 का डिफरेंस है, और यहां पर कितने का है? 3 का, है ना। फिर इसमें भी कितने का अंतर आना चाहिए? 3 का, तो कितना जाएगा? 15, और 15 से क्या आता है? ओ। एच का 8, के का 11, एन का 14, 3 17, 9। ठीक है, जी का कितना? 7, के का 10, एम का 13, 16 किसका है? पी का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओ टू पी। सब में प्लस प्लस 3 हो रहा है। क्लियर। आगे बात करते हैं 72वें क्वेश्चन की। देखो 72वें क्वेश्चन के अंदर इसका सोल्यूशन भी क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। अंतर कितने का है? 8, और 4 में 2 गए 2, 28। अंदर कितने का है? 10 में से 4 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 56। अंदर कितने का है? 2 का 2, 22 में से 11 गए, कितने बचेंगे? 11। अंदर कितने का है? 112 तो नहीं, 224, और 224 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 4 और 2 6, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 446 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसमें अंदर कितने का है? 448 का होगा, 4 घटाकर देख लेना। क्लियर है ना, तो उसका राइट आंसर कितना जाएगा? 446। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। देखो क्वेश्चन नंबर 73 के सॉल्यूशन में क्या होगा इसका सॉल्यूशन? टी कितना है? 20, और जेड कितना है? 26। तो यानी प्लस का 6 एड, यहाँ पर भी प्लस का 6 एड है, यहाँ पर भी प्लस का 6 एड है।
क्यू 17 और एस 19 कितना ऐड है, दो ऐड है, एस यू दो ऐड है, एस और यू डब्ल्यू दो ऐड है, और डब्ल्यू में दो ऐड करके 25, 25 फंक्शन क्या होता है, वाई होता है ना, और एल का एल में एल कितना है, इसमें छह ऐड होगा तो कितना जाएगा, 12 से 18 आर, और इसमें कितना दो ऐड होगा तो वाई है ना, ये तो हो गया। टी का देखो, टी कितना है, 20, और बी कितना है, दो, तो यानी हम कह सकते हैं कि आठ ऐड है। बी का कितना है, दो, और जे का 10, यानी आठ ऐड है। जे का कितना है, 10, और यानी आठ ऐड है, 18, 18 में आठ ऐड होगा 26, 26 का आंसर क्या होगा, तो आर में जेड इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखो फिर 6, ई का 5, आई का कितना है, 9, जी का 7, एल का कितना है, 12, एल का है 12, आई का कितना है, 9, ओ का कितना है, 15। अब बात करें एक बार, ठीक है, देखो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, और 15 और ये कितना आएगा, 18, लेकिन 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, तो इसको 11 राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है, 11 का मतलब क्या आएगा इसका आंसर ना, वो तो उससे पता चल जाएगा ऑप्शन से, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या है, अल्फाबेट अल्फाबेट, यानी 11 का मतलब क्या, ठीक है। बात करते हैं 75वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से दिया जाएगा। यहां पर देखो सब में जेड जेड दिख रहा है आपको, तो डेफिनेट है कि जेड ही इसमें आएगा, ठीक है। यहां क्या है, 24 है, 24, और डब्ल्यू क्या है, 23, यानी अंतर कितने का है, माइनस 1 का, और यहां पर क्या है, डब्ल्यू 23, और बी कितना है, 22, अंतर कितने का है, माइनस 1, और बी के बाद एक आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, कितना जाएगा, यू आ जाएगा। यहां देखो सी डी ई ए बी, ए बी सी डी, बी आ जाएगा, जेड यू बी इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। देखो इसमें अंतर कितने का है, 7 में से 5 के 2, 10 में से 3 के 7, 72 का अंतर है, 13 में से 7 के 6, 11 1 का 1, और 116 ही आएगा किसका अंतर, 216 आएगा, कितना है इसका अंतर, 216। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 में से 1 के 4, 3 में से 1 के 2, 24 किया 72, 24 किया 72 किया 216, और 24 में 3 का भाग देख, देखो 3 का भाग 72 में करें 24 आ रहे है ना, और 24 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे अपन, यानी कितना जाएगा, 8 से 24, 24 के 72, 72 के 216, 8 से 24, यानी कहने का मतलब 24, 35 में से 24 घटाए 11, 11 में से 8 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 3 इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, 77 की, तो इसके सॉल्यूशन में बताना आपको क्या आना चाहिए। आप ध्यान दो इस क्वेश्चन के अंदर, एस कितना है, 19, और आर कितना है, 18, यानी कितना घट रहा है, 1, टी कितना है, 20, 1 कम करेंगे तो क्या जाएगा, 19, अब वी कितना है, 22, टी यू, यू आ जाएगा, क्या जाएगा यहाँ पर, यू और वी, देखो आर एस टी यू वी, आगे क्या है, देखो एच आई आई, आई के बाद क्या आएगा, जे आना चाहिए ना, आई के बाद क्या आना चाहिए, ये कितना है, टी है, टी है ना, उसके बाद क्या है यहां पर, अब यहां देखो आप पहले ये कितना है, आर है, कितना है, और ये कितना है यहां पर, तो पी क्यू आर एस और ये टी, ठीक है, एच आई छोड़ दिया, जे आई, ये कितना एच आई छोड़ दिया, आई
जे के एल, जे के एल एम एन, ठीक है, माइनस एक प्लस एक हो रहा, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा इसका मतलब, इसका राइट आंसर यू एस आई के हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। देखो यहाँ पर आर कितना है 18, पी कितना है 16, एम कितना है 14 और 12 का क्या आएगा एन, और जे का कितना है 10, दो दो कम हो रहा है, एल एम एन, ओ छोड़ दिया, पी क्यू छोड़ दिया, आर एस छोड़ दिया, टी, ठीक है। आगे देखो जे के बाद क्या है आपस 10 है, यहां पर कितना है 16, यहां पर 19 और 3 22, जे के बाद क्या आएगा 10, एम आ जाएगा, ठीक है, तो एल आर एम इसका क्या जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 79 की, इसके सॉल्यूशन बताना आप इसमें क्या आना चाहिए। देखो ए के बाद एक है ना, ए का एक और सी का, मतलब इसमें दो ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, दो ऐड हो रहा है, ए बी सी डी दो ऐड हो रहा है ना, इसके बाद इसमें कितना ऐड हो रहा है, दो ऐड हो रहा है, अगला क्या ऐड हो जाएगा दो, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर आई आ जाएगा, ठीक है। आई आगे देखो वी कितना है 22, टी कितना है 20, यानी माइनस दो, माइनस दो और माइनस दो और माइनस दो करेंगे क्या जाएगा एल आ जाएगा, चौदह नंबर, मतलब दो, पी का कितना है, आर का 18 है ना, यहाँ पर दो, पी का 16 है तो एन का 14 आ जाएगा ना। आगे देखो टी आर एस टी, यानी टी का 20 और आर का 18, पी का 16, एन का 14, 12 किसका है एल का, ई के बाद क्या जाएगा जी, ई एफ जी, ई का 5, जी का 7, आई का कितना 9 और 9 के बाद 11, 11 और 2 13, 13 के क्या जाएगा एम, यानी आई एन एल एम इसका क्या जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है इसका आंसर, राइट आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आज तक हमने इसके अंदर 15 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं और एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसमें कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो आज तक इतना ही, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।